सदगुर पीरा गहर गंभीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। नाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो, सतनाम श्री वाहिगुरु, ज्यों बुलावें त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। सतगुरां दी हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु रूप साध संग जीओ, आप तनता दे जोग हो, जो शामा दे दीवाना दियां हाजरियां पढ़ रहे हो, स्वासा रूपी पूंजी नूं सफल करन दा यतन कर रहे हो, जिथे आप सब जी ने सोदर रहना सब जी दे पाठ आदि शब्द कीर्तन दा आनंद मानिया है। कुछ समा कथा विचारां दी सांझ पाउण दा है। सतगुरां दी अपार बख्शिश मेहर रहमत दा सदका गुरु तेग बहादुर महाराजियां दे पावन पवित्र बाणी श्लोकां दी विचार चल रही है। सतगुरां दी अपार मेहर दा सदका 16 नंबर श्लोकां तक विचार श्रवण कर आए हाँ। 17 नंबर श्लोक आज विचार दे अधीन है। गुरु साहिब जी कृपा करन आप ही विच विचर के अपना मेहर भरिया हाथ सीस ते रख के सेवा ले लन। सो आओ विचार नाल जुड़ना करदे हाँ। विचार आरंभ करन तो पहला फतेह दी सांझ पा के दास नूं असीस बख्शो, प्यार सत्कार सतफतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर महाराज जी तरस दे घर विच आके बचन कर रहे हन। जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बहराग, कहो नानक सुन रे मना ते नर माथै पाग। 17 नंबर श्लोक दी विचार आरंभ करन जा रहे हां, बचन कर रहे हन। जे बिखिया सगली तजी, तजी दा अर्थ हुंदा है छड़ देना। बचन कर रहे हन जे बिखिया, बिखिया शब्द बनिया है बिख तो, बिख दा अर्थ है जहर, बिखिया दा अर्थ इथे माया, माया दे विच बड़ा कुछ आ जांदा है। परमात्मा दे नाम तो बिना दूसरा कुछ जितना भी है वह माया दे विच आ जांदा है। जे बिखिया सगली तजी लियो पेक बैराग, बिखिया दा त्याग कर दिता जिस मनुख ने। जे बिखिया तजी, बिखिया दा त्याग बिखिया विच आ गया। पंजे काम आदिक वैरी, काम क्रोध लोभ मोहंकार, नाल ही ईरखा भटकना द्वैष पावना, इस सारा कुछ जिसने त्याग कर दिता। सगली दा अर्थ है सारा। तजी मैंने त्याग कर दिता, छड़ दिता। लियो पेख बैराग, धारण कर लिता। लियो दा अर्थ है धारण कर लिता। पेख बैराग, बैराग जिस मनुख ने धारण कर लिया। शब्द आया है नाल पेख। पेख का अर्थ एथे पेस नहीं, पहरावा नहीं है। एक पेख हुंदा है जो के धारण किया जाता है। बैराग दे अर्थ भी कई निकल जाते हैं। बैराग शब्द गुरु नानक पातशाह जी जदों दुनिया दे विच उन्होंने अवतार लिया, संसार ते आए, उस तो पहले जो चलता सी कि परमात्मा नूं पाउण दी खातर लोग घर बाग दा घर बार दा त्याग कर दिंदे, परिवार दे जीआं नूं छड़ दिंदे कि असी बैराग धारण कर लिया है, संन्यास धारण कर लिया है।
पर गुरु नानक पातशाह ने जो सानू राह दिता गुरमुख जो सानू सिखाउंदी है बाणी दे मुताबिक गृहस्थी दे विच रहिंदिआं होइआं ही बैराग जीवन दे विच लिआउणा है। उपरामता निर्लेपता उदासता इन्हां विकारां तों माया दे फुरनिआं तों यह बैराग की गल गुरु साहिब जी ने की है। भेख का अर्थ पहरावा ने कि लिबास बैरागा वाला पहन लिता जंगलों में चले गए घर बार का त्याग कर दिता परिवार के जिया का त्याग कर दिता यह मनमत है। गुरबाणी इस गल का खंडन करती है। गुरु नानक पातशाह ने जो सानू राह दिता है वह दरम्याना राह है। उदाहरण के नाल समझिए जिवें एक तंती साज है सितार है उहदे विचों सुर कढ़ने हन ते उहनूं दरम्याना जा कसना पैंदा है। बहुतात उहनूं कस दित्ता जाए ते उहदे विचों सुर नहीं निकलणगे। जे उहनूं ढिल्ला छड़ दईए तां वी उहदे विचों सुर नहीं निकलणगे। उहनूं मीडियम रखना पैंदा है तां कि उहदे विचों सुर पैदा हो सके। उही गल गुरु नानक पातशाह जी बचन करदे हन कि जो गृहस्थी दे विच रहिंदिआं होइआं ही निर्लेप रहना है उपरामता दिखानी है। माया दे विच रहिंदिआं होइआं ही इस माया तो उपर उठना है। माया जेब विच होए साडी सुरत विच नहीं होनी चाहीदी। माया बैंक विच होए पर साडी सुरत विच ना होए क्योंकि माया गुजरान है इहदे बिना गुजारा नहीं चलेगा। ना तो साडे घर परिवार का ना ही असी किसी लोड़वंद की मदद कर सकते हाँ ना ही किसी राही पांदी नूं प्रशादा छका सकते हैं जे साडे कोल माया नहीं। त्याग नहीं करना इहदे विच रहिंदिआं होइआं ही उपराम होना है। बैराग वाली वह अवस्था लैके आनी है। रब नूं पाउण दी खातर संसार दे लोक की करदे हन घर का त्याग करके बाहर चले जाते हैं जंगलों के विच कि असी बैरागी हो गए त्यागी हो गए उपराम हो गए पर नहीं। बाणी कहती है बाणी का फरमान है बचन कर रहे हैं जैसे जल में कलम निरालम मुरगाई ने साने बचन कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह के बोल हैं आख रहे हैं सिद्धां नूं समझा रहे हैं इउं रहना है घर विच इउं रहना है माया विच गल कर रहे हैं। बिखिया सगली तजी छड़ना की है छड़ना किवें है बचन कर रहे हैं कि जिमें उदाहरण दे के समझाते हैं क्योंकि सानू उदाहरण दे नाल गल जल्दी समझ आ जाती है। कमल का फुल है चिक्कड़ दे विच एक खिलदा है चिक्कड़ दे विच रहिंदिआं होइआं अपनियां पंखड़ियां चिक्कड़ नाल लिबड़न नहीं देंदा। उसे तरह माया दे विच रहना है परिवार दे जीआं दे विच रहिंदिआं होइआं उपराम होना है। बैराग वाली अवस्था बनानी है। नाल ही मुरगाबी की उदाहरण भी दिती है पानी दे विच रहिंदी है पर खंभ नहीं भिजण दिंदी। उही गल है कि घर विच रहिंदिआं होइआं परिवार विच रहिंदिआं होइआं इस तरह तू बैराग वाला जीवन जिउणा है। बैराग बैराग किहनूं आखदे हन बैराग की है कोयल नूं पुछदे हन कि तू कोयल दस क्यों काली है काली कोयल तू कित गुण काली सवाल है पुछना कीता दस क्यों तू काली है जवाब आया अपने प्रीतम कहो बिरह जाली विछोड़े दे कारण काली हो गई हां बिरहे ने विछोड़े ने मैनूं साड़ के रख दिता है ता मैं काली हो गई हां अपने प्रीतम तो विछड़ गई हां। विछोड़े की गल इन कहते हैं बैराग बैराग आ जाना परमात्मा तो दूर होके विछड़ के इं बैराग पैदा होता है। इस बैराग की गल अज के शब्द के अंदर आ रही है। एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे एक एक घड़ी एक एक पल इं गुजरता है जिमें बहुत लम्मा अरसा हो गया हो बड़े दिन हो गए हैं प्यारे के दर्शन कीत्या इनू आखते हैं बैराग बड़ा बैराग है। मन बैराग पया दर्शन देखने का चाओ दर्शना दी तांग है रिया नहीं जांदा हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जियो अखां दे विच अथरू आ रहे हैं। जीवन
कहते जीवन नहीं जा रहा, हर सह तंग करता पिया है, विछोड़े की कसक है। बैराग की असी गल कर रहे हाँ, लियो पेख बैराग। बैराग केड़ा है? बैराग आखदे किनूं हन? बैराग अंदरों पैदा किवें हुंदा है? ये प्यारे प्रति खिच चाना ये बैराग है। वह बैराग नहीं कि घर बार नूं त्याग देना, छड़ देना, जंगलों के चले जाना, पर वह जंगलों में जाके भी पंजे नाल जा रहे हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार वैशना वैश जो ईरखा है, द्वैष भावना है, वह नाल ही फिरती है। फिर कद तू त्याग किया? विख्या तो तेरे नाल ही है, त्याग तो कोई होया नहीं। त्याग का भाव घर विच रहिंदिया होया, परिवार विच माया विच रहिंदिया होया ही इस विख्या का त्याग करना। वह बैराग अंदर पैदा हो जाना। प्यारे नूं मिलन दी खातर एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, ये अवस्था बन जाए। गुरु अर्जन देव महाराजियां दे ये वचन हैं, एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। कलयुग लगता है जे एक घड़ी आप जी तो दूर हाँ, विछोड़ा पैंदा है। बचन आते हैं कि यह शब्द कदों उचारण किया गया, कहिंदे उन्होंने लाहौर जदों जाते हैं उतों पत्र लिखते हैं। एक दिन कहिंदे सोढ़ी सहारी मल जी आते हैं गुरु रामदास महाराज के चरणों के कि साढ़े पुत्र की शादी है, आप जी नूं सदा देन आए हाँ, आप जी ने लाहौर आना है। गुरु रामदास महाराज जी बचन कर रहे हैं कि आनू तो कोई गल नहीं, पर जिथे असी जाते हाँ साढ़े पिछे बड़िया संगतां आ जांदियां हन दर्शनां दे वास्ते। जे असी लाहौर आप जी दे घर शादी दे विच गए, बड़िया संगतां आ जाणगियां, उन्हां संगतां दे रहण दा प्रबंध, प्रशादे पानी दा प्रबंध तुहानूं करना पएगा, तो यह कठिन हो जाएगा, औखा होएगा, तुहानूं खेचल होएगी। इस तरह करदे हाँ असी अपने पुत्र नूं भेज देंदे हाँ। सद्या गया वड्डे सपुत्र बाबा प्रिथी चंद जी नूं, उन्हां नूं कहा कि आप जी ने लाहौर शादी ते जाना है। उन्होंने मना किया, कहन लगे आप जी के दर्शनों वास्ते संगतां इत्थे आंदियां हन, उन्हां दा प्रशादा पानी देखना हुंदा है, रहण दा प्रबंध करना हुंदा है, तो ये कौन करेगा जी? मैं चला गया तो मैं नहीं जाता। मना कर दिता प्रीति चंद। गुरु रामदास महाराज जी ने दूसरे पुत्र महादेव नूं सदना किया, उन्हां नूं बचन करते हैं कि आप जी ने लाहौर जाना है। उन्होंने भी कहते मना कर दिता कि मैं किसी नूं जानता नहीं, विआह शादी विच रोला रप्पा हुंदा है, मैनूं चंगा नहीं लगता। दूसरे पुत्र ने भी जवाब दे दिता। हुण तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव महाराज जी, हालांकि उदों वह गुरु नहीं हैं पर आपां सरकार दे वजों गुरु शब्द नाल ही लगांदे हाँ। गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं सद्या गया कि आप जी ने लाहौर जाना है शादी ते। जिवें ही शादी का सारा कारज हो जाए, आप जी ने धर्मशाला विच निवास रखना ते धर्म का प्रचार करना। जितना चिर असी आप जी नूं सद्दे नहीं, आप जी ने आना नहीं। सत बचन कहे परवान करके माता जी नूं मिल के माता जी तो आग्या लैके आप गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर चले जाते हैं। लाहौर चले गए, शादी का सारा कार्य हो गया, शादी निबड़ गई। पिता गुरु पिता की आग्या सी कि धर्मशाला दे विच निवास रखना है, धर्म का प्रचार करना है, उस तरह करन लगे। समा गुजरदे गुजरदे कहिंदे 2 साल के करीब गुजर गया, गुरु पिता जी ने सद्या नहीं। पर इधर मन बड़ा व्याकुल है, गुरु साहब के दर्शनों की बड़ी खिच है, बड़ी तांग है, मिलन की बड़ी चाहना है, गुरु पिता नूं मिलना है, गुरु दे प्रति एक सिख की चाहना। देखो बड़ा मन व्याकुल है, दर्शनों के लिए बड़ी तांग है। पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखी, पर वह चिट्ठी प्रीथी चंद जी नूं मिल गई, उन्होंने हत्थी लग गई। उन्होंने गुरु पिता नूं गुरु रामदास महाराज जी नूं ना दिती, अपने पास रख लेना कीती। गुरु अर्जन देव महाराज जी लाहौर विखे कुछ दिन चिट्ठी का इंतजार करते रहे, जवाब का इंतजार करते रहे, जवाब आएगा, जवाब ना आया। कुछ दिनों बाद
फिर दूसरा पत्र, दूसरी चिट्ठी लिखी, पर वो दूसरी चिट्ठी भी प्रीति चंद के हाथ लग गई, गुरु रामदास महाराज के चरणों में ना पहुंची। कुछ समा उड़ीक करते रहे, जवाब आएगा, जवाब नहीं आया, क्योंकि चिट्ठी मिली नहीं, जवाब किस तरह आंदा। कुछ समा इंतजार करके गुरु अर्जन देव महाराज जी फिर तीसरा पत्र लिखते हैं, जिदे विच ये लिखते हैं, एक कड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रे तुद भगवंता, मोहे रैन ना विहावै, नींद ना आवै बिन देखे गुरु दरबारे जियो। मिनते नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, आदि के दर्शनों तो बिना हुण जान निकलती है, बुरा हाल है। जदों ये चिट्ठी कहिंदे इस बार गुरु रामदास महाराज के चरणों में पहुँच गए, पत्र पढ़ते हैं, चिट्ठी पढ़ी, देखिया चिट्ठी दे विच इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना वैराग, इतना प्यार देख के पुत्र नूं कहिंदे लाहौर तो बाबा बुढ़ा जी वर्गे, भाई गुरदास जी वर्गियां नूं भेज के कहिंदे, सलाह मशला करके पुत्र नूं सदवा लिया गया। अमृतसर गुरु अर्जन देव महाराज जी आ जाते हैं, मिल के फिर कहिंदे शब्द का चौथा बंद उचारण करते हैं, भाग होया गुर संत मिलाया। बड़िया भागां की निशानी है कि गुरु के नाल मिलाप हो गया है, दर्शन हो गए हैं, दीदारे हो गए हैं गुरु के, जिन्हों की तांग सी वह हुण मिल गए हैं। गल साड़ी चल रही सी, जे बिख्या सगली तजी लियो भेख बैराग। बैराग कहते कि बैराग यह है, मन बैराग पया दर्शन देख लै का चाओ। दर्शना दे लई तांग है, मन व्याकुल है, चाहिए की है दर्शन दीदारे चाहिए हैं, वैराग इनू आखते हैं। क्योंकि जो मूल नालों टुट जाता है, अपने तो दूर हो जाता है, जो सिख गुरु तो दूर हो जाए, बाणी तो दूर हो जाए, ओदी अवस्था, ओदी हालत एहो जेही ही हो जाती है। कहिंदे मिलन की बड़ी तांग है। हुण होर भी बड़िया उदाहरण गुरबाणी के अंदर मिलदियां हन कि किवें बैराग उपजदा है, किवें मिलन की कसक पैंदी है, विछोड़े का डंग हुंदा किहो जिहा है। विछोड़ा सिया नहीं जाता, जिन्हों विछोड़ा पैंदा है उन्हों पता लगता है आपके प्यारे नाल जदों कोई विछड़ता है। बड़ी सोहनी उदाहरण कबीर जी दसदे हन, एक इसत्री की उदाहरण दे के समझाते हैं। कहिंदे एक इसत्री है जिदा कि पति परदेस गया होया है, उस तो दूर है, परदेस जान करके कहिंदे वो पिछों पति ने मिछोड़े दे विच अद्धी होई पई है, रोंदी है, विलकदी है, कुरलांदी है, रस्ता निहारदी है, पंथ निहारै कामनी, लोचन भरी ले उसासा। दर्शना दी तांग है, रस्ते दे विच खड़ी है, राह तकदी है, देखदी है, कहिंदे राह तकदी तकदी अकदी नहीं, थकदी नहीं, पैर पिछा नहीं हटांदी, और ना भिजै पग ना किसै हर दर्शन की आसा। मिलन दी इतनी तांग है, कहिंदे खड़ी खड़ी थकदी भी नहीं, राह ते खड़ी है, राह निहारदी पई है, तकदी पई है, कहिंदे जवां थकदी नहीं, दिल भरदा नहीं राह तक तक के, आस लाई बैठी है, उम्मीद लगाई बैठी है, वो आएगा ते दर्शन देगा। भावें के उदाहरण सानू दुनियावी दिती है, एक स्त्री की वाकई वह हालत होंदी है जे उहदा पति किते परदेस गया होए, दूर गया होए, उहदे विछोड़े की कसक जा ओ जानदी है जा परमात्मा जानदा है। उसे तरह ही एक सिख जदों गुरु तो दूर हो जाए, बाणी तो दूर हो जाए, उहदी हालत भी यही हो जाती है, वह भी कहिंदे राह तकदा है किते मैनू परमात्मा मिल पाए। हुण जिहदी खातर असी सारा दिन विलकदे रहिए, विछोड़े दी अंदर कसक इतनी होए, जे कहिंदे दिने हकीकत दे विच कोई मिल नहीं ना पाया, ते ओ मनुख कहिंदे कल्पना करदा है, सोचदा है, विचारदा है, ख्यालातां दे विच उहनूं मिलन दा यतन करदा है, जिहनूं असीं कहिंदे हकीकत च ना ना मिल सकीए, ते कहिंदे उहनूं ख्यालातां दे विच मिलदे हां, उहदे प्रति सोचदे हां, विचारदे हां, बाणी दा प्रमाण आंदा है। कहिंदे नींद आ जाए मैनूं, मैं सो जावां, सुतियां सुतियां नींद दे विच सुपना चल पए, ते सुपने दे विच किते मैनूं मिला पति प्रीतम मिल जाए। आओ सुभागी नींदड़िए,
मत शो देखा सोए। ए नींद प्यारी नींद तू आ जा, नींद आ जाए, नींद दे विच सुपना आ जाए, सुपने दे विच ही मैं अपने प्यारे पति प्रभु नू मिल पवा। क्यों? क्योंकि ओदे तक पहुंच नहीं हो सकती। आए ना सका तुझकन प्यारे, भेज ना सका कोई, तेरे को ले आया नहीं जांदा। मैं गरीब, मैं निमाणी, मैं अचनच, मेरे विच कोई ताकत नहीं, समर्था नहीं, तेरे को ले आ नहीं सकती, किसी नू तेरे को ले भेज नहीं सकती। आखर कहंदे थक हार के नींद दे तरले लैंदी है। नींद ही आ जाए, नींद दे विच किते सुपना आ जाए, सुपने दे विच ही किते मैं अपने प्यारे नू मिल लवां। इनू आखदे हन बैराग। बैराग ए है, बैराग दा अर्थ ओ नहीं कि बैरागी कपड़े धारण कर लेने, घर परिवार दा त्याग कर देना, जंगलां दे विच चले जाइए, ओ तां हो गया अपने जिम्मेदारियां तो भजना, मुख मोड़ना, और गल नहीं कर रही। बाणी आखरी है, बैराग ए है अंदर विछोड़े दी कसक होए। क्योंकि जदों विछोड़े दा पता लगदा है कि मैं विछड़ गया हाँ, फिर मनुख मिलन दी तांग भी करदा है, फिर मिलन दा यतन उपराला भी करदा है। जिन्ना चिर सानू ए ना पता लगे कि असी विछड़े हाँ, ते मिलन दा असी यतन की करांगे। पहले सानू पता लगे असी विछड़ गए हाँ, विछोड़े दी कसक पैदा होए अंदर, बिरह पैदा होए, फिर कहिंदे मिलन दी चाहना भी करदे हाँ। जदों मिलन दी चाहना हो गई, फिर मिलाप भी होएगा। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मिलन दी तांग कीती, चाहना कीती, ते फिर मिलाप होया। इसे तरह की कोई तांग सानू भी किते पैदा होए, ता फिर कहिंदे उन्हूं मिलिया जा सकता है। आखिर हन आओ सुभागी निंदड़िए, मत शो देखा सोए। नींद आ जाए, नींद दे विच सुपने दे विच ही किते मैं देख लवां, कोई मैनू मेरे प्रीतम दी कोई गल ही सुना देवे। तैं साहिब की बात जे आख्या कहो नानक क्या दीजै, मेरे मालक दी मेरे खसम दी कोई मैनू गल तां सुनावे। कहिंदे मैं ओदी खातर की करां, जिहड़ा मैनू गल सुनाएगा। कहिंदे सीस वड्डे कर बैसण दीजै, विणसण सेव करीजै, मैं ते अपना सिर वड के दे दवां कि इत्थे मेरे सिर दा मूड़ा बना के इत्थे तू बैठ, पाव के निम्रता कि ए मोड़े ते बैठ ते मैनू मेरे प्रीतम दे दर दीआं गल्लां बातां सुना। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै, सो पाई सो मेरा भी। मेरे प्रीतम दी कोई गल मैनू सुना देवे, ओ मेरा मित्र है, ओ मेरा भरा है, ओ मेरा वीर है, जिहड़ा मैनू ओदी गल सुनावे। इहनू आखदे हन बैराग। लियो पेक बैराग, कि ए बैराग आएगा किवें? जे विखिया सगली तजी, लियो पेक बैराग। जदों सारा कुछ छड़ देवांगे, विकार, ईरखा, दुबिधा, भटकना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इहदा त्याग करांगे, फिर ए बैराग उपजेगा। कह नानक सुन रे मना, तेह कट ब्रह्म निवास। वचन कर रहे हन, कह नानक सुन रे मना, ते नर माथे भाग। कह नानक सुन रे मना, गुरु तेग बहादुर महाराज जी वचन कर रहे हन, हे मना सुन। कहिंदे ओ मनुख दे ते नर माथे भाग, ओ मनुख दे चंगे भाग हन। भागां वाला है ओ जिन्हें इस विख्या दा त्याग कर दिता, ते बैराग वाला पेक अपना लिया। ए बैराग है कि ते ए साडे मन दे विच भी उपजे, पैदा होए, कदे असी भी उन्हों मिल सके। सुसमे दी समाप्ति है। बाणी दा भाव साडे सारयां दे हिरदयां विच वस जाए, सब दा जीवन नाम बाणी मुताबक हो जाए। सो इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां। बाणी दी विचार करदियां अनेकां गलतियां हो गईयां हन, गुरु ते गुरु की संगत बख्शन दे समर्थ है। गलतियां बख्श लेनियां, अरदास करनी, विचार करन दी जांच आ जाए। भूल चूक गलती लिखी मां अखीर दे विच करो गुरफते दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा।